खरगोन जिले की महत्वाकांक्षी बिष्टान सिंचाई परियोजना से जुड़े करीब 7 गांव के किसानों ने पानी छोड़ने की मांग को लेकर एनवीडीए कार्यालय का घेराव किया। किसानों ने बताया कि योजना का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन ठेकेदार छोटी मोटी अड़चनों के कारण पानी नहीं छोड़ रहा है। विभाग की अनदेखी से किसान परेशान है। लोअर अ और लोअर बग में भी गेहूँ के सीजन में 3 माह पानी छोड़ा गया था, यहाँ तक कि काम पूरा हो चुका है। यदि लोअर अ और बग में पानी छोड़ा जाता है तो सिंचाई, पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था हो सकेगी। किसान अपने साथ नारियल, अगरबत्ती और शक्कर भी लेकर आए थे। उनका कहना था कि आज हम पानी छुड़वाने की नीयत से पहुंचे हैं, पानी मिलने पर पूजन अर्चन कर प्रसादी बांटेंगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सिंचाई योजना से लाभान्वित होने वाले किसान BR1 और BR2 जहां पर लगभग 70-80% काम संपूर्ण हो चुका है, वो किसान मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर गर्मी का पानी छोड़ा जाए ताकि उन किसानों की समस्या का समाधान हो सके, मवेशियों को नदी नालों के जरिए पानी मिल सके और कुछ किसान बोनी कर सके, जिससे यह गर्मी का जो सीजन गया है पीछे सूखा उससे उभर कर किसान आगे आ सके। और इस मांग को लेकर यहाँ किसान सुबह 10 बजे से बैठे हैं और राउत जी से बात करी किसानों ने फ़ोन पे, तो कहते हैं कि मेरे को लू लग गई है। 2 दिन पहले बात करी तो बोले मैं बीमार हूँ। इस प्रकार से किसानों को समय नहीं दे पा रहे हैं और किसान दर दर भटक रहे हैं। हम मीडिया एवं राजनेता एवं प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द तुरंत कल की तारीख में किसानों को पानी सप्लाई किया जा सके। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सिर्फ बटन को दबाना है ताकि किसानों तक पानी पहुंच जाएगा। और ठेकेदार पूर्ण रूप से अधिकारियों को गुमराह कर रहा है कि मेरा काम बाकी है। उनका काम जहाँ बाकी है वहाँ के किसान मांग नहीं कर रहे कि पानी छोड़ा जाए, लेकिन जहाँ कंप्लीट हो गया है पानी वेस्टेज बह के जा रहा है उसका उपयोग किया जाए, किसानों को लाभान्वित किया जाए। 750 हेक्टेयर जमीन सिंचित हो सकती है अगर कल बटन दबा दी जाती है तो। 7,500 हेक्टेयर। अभी आप साहब से मिले, चर्चा भी करी आपने, क्या आश्वासन मिला आपको? साहब का ये योजना जिस दिन से प्रारंभ हुई है उस दिन से हमें फुल सपोर्ट है इन सर का, लेकिन जिस प्रकार से दूसरे अधिकारियों का किसानों को सपोर्ट होना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। और साहब एक अपने दायरे में है, वो जितना कर सकते उन्होंने हमारे लिए किया है, लेकिन अभी सर का ये कहना पड़ा कि उच्च अधिकारी अगर मेरे को निर्देशित करते हैं तो मैं कल बटन दबा लेता हूँ। अच्छा, इसके बाद भी अगर समस्या का निराकरण नहीं होता तो क्या आगे क्या कार्रवाई करोगे? आज हम किसान प्रतिनिधि बन के आए हैं कुछ गाँवों के, इसके बाद अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम अधिक संख्या में उपस्थित होकर जो भी उचित लगेगा वो हम करेंगे। क्या नाम है आपका? लखन कुशवा, किसान। कहाँ से हो आप? ग्राम बड़गांव। मांग भी कर रहे हैं ये सभी किसान स्थान एरिया के हैं, इनकी मांग है कि जितना जल्दी से जल्दी हो पानी हो गया था। उधर तो छोटे मोटे काम जो आउटलेट लगाने का वो करते रहे, पर जो मेन के काम थे वो उधर आपके सागर भाई इस एरिया में जो है। अभी क्या स्थिति है सर, पानी छोड़ने की स्थिति में विभाग है या नहीं? नहीं, अभी तो क्या है कि कुछ कार्य बाकी हो रहे हैं तो इस वजह से वो नहीं, तो पानी हमारी छोड़ने की है इतने जल्दी से जल्दी हो गया। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।